कई सही नहीं कि इंदिरा भंडारा नायिका दोनों राष्ट्र अध्यक्षों का पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट के तहत 6 लाख तमिलों को नागरिकता दिलाई गई थी। वो नहीं बोलेंगे, सच्चाई छिपाएंगे, इतिहास छिपाएंगे। अरे बात उनकी कर रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, जरा अपना जवाब दो। क्या लद्दाख में डोकलाम में आपके एमपी ने ये नहीं कहा है? आपका एमपी, स्थानीय एमपी, उसने ये नहीं कहा है कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन ले लिया है, आज आप गश्त नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेनाएं नहीं जा रही, लगातार वार्ता पे वार्ता, 20 से ज्यादा सैनिक वार्ताएं हो चुकी हैं और 21 जवानों की शहादत के बाद आप सफाई दे रहे हो, क्लीन चिट दे रहे हो, और आपका एमपी कह रहा है कि ये गलत है। आपने जवानों की लाशों का बदला लेने की जगह सर झुका के आप नाम लेने से डरते हो चीन का, उससे व्यापार बढ़ा रहे हो। सर किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आज बाकायदा भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जयशंकर सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस और डीएमके दोनों पर आरोप लगाया है और कहा कि तमिलनाडु की जनता के साथ, मछुआरों के साथ आज भी व्यवहार जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और सरकारें कुछ नहीं है। दूर न जाए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गवाह है। अभी हुआ था बांग्लादेश और भारतवर्ष में वार्ता, जयशंकर जी आप विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री थे। क्या ये नहीं सही कि 7,001 एकड़ जमीन लेके आपने 17,000 भारत माता की मुख्य भूमि उनको सौंपी और पारित कराए, तो ये 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप? है कोई जवाब आपके पास? तो पहले अपने दामन में जो सामने है, सत्तारूढ़ दल है, पहले उसका जवाब दे। इतिहास में क्या हुआ उसका जवाब कई चुनाव में जनता दे चुकी है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है, तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं, चिंता थी क्योंकि चुनाव सामने है। तो आपको चुनाव में जहां पे आपका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए आपको तमिल की चिंता हो रही है। जिस दिन वहां वोट पड़ जाएगा फिर आप 5 साल तक नहीं बोलेंगे। सर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो एनडीए की सरकार है वो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है और अपोजिशन जो है वो करप्ट लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ईडी और सीबीआई के लिए भी कहा कि ईडी इंडिपेंडेंटली काम करती है और अपोजिशन कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। इस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तीन के सहारे ये सरकार चल रही है। सूची जारी करने, जिनको मोदी जी कुछ दिन पहले भोपाल में बोलते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले, कि चक्की पी सिंह 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, वित्त मंत्रालय देते हैं। ये क्या है मोदी जी, ईडी सीबीआई का ही कैसा इस्तेमाल है? और आगे आइए, जब आप सरकारें गिराना होता है तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको दल बदल कराना होता है तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और जैसे हो जाता है भूल जाते हैं आप। तो ये तो एक तरीके से आपने इनका दुरुपयोग करने की इंतहा कर दी। हाँ, इनका इस्तेमाल था अपराधियों के खिलाफ, आप राजनीतिकों के खिलाफ कर रहे हैं, मेरा निश्चित आरोप है आप पर। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, कल की जो रैली हुई उसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये संविधान बचाने के लिए नहीं, परिवार बचाने के लिए और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए रैली। मोदी जी आप जारी कर दें, मेरठ में जहां आपके सारे दल इकट्ठा थे और रामलीला मैदान में थे, दोनों का जो जनता का उत्साह और संख्या थी कर दें, आप चौथाई भी नहीं थे मेरठ में। मैं आपसे एक चीज साफ कह दूं, सत्ता जाते हुए देखकर आपकी हालत ये हो रही कि आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद भी नहीं याद रहता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये कानून गलत है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये गलत है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आप इस तरह कर रहे हैं जैसे गुंडा टैक्स की वसूली होती है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने साबित कर दिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।